नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज भारत की आवाज। पीछे गले की हड्डी बनेगा, ये बत्ती लाल नहीं मिला तब तक ये टैटा राम राम कर रहे थे। अब ये पता नहीं किस बिल में घुसेंगे, इनका पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो जिसने गड़बड़ की है, चाहे बत्ती लाल ने की चाहे बत्ती लाल के साथियों ने की, वो SOG अब छोड़ेगी थोड़ी, उसको SOG नहीं छोड़ेगी, अंतिम तह तक जाएगी, नतीजे तक जाएगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और हम तो चाहते हैं भाई, ये BJP का ऑफर थोड़ी था, प्रस्ताव थोड़ी था, ये तो मेरा प्रस्ताव था एज ए शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी के सामने, कि जो व्यक्ति कार्मिक पाया जाए इसमें संलिप्त, तो उसको बर्खास्त होना चाहिए। ये हमारे शिक्षा विभाग का हमारा प्रस्ताव था कि जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज अगर ऐसा करता है, पाया गया संलिप्तता उसमें, गलत काम करने में, नकल करने में पाया जाए, तो उसकी मान्यता सदा के लिए समाप्त की जाए। यह हमारा प्रस्ताव था कि कलेक्टर और SP भी मोबाइल नहीं ले जाए। यह हमारा प्रस्ताव था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि सब लोगों की रहने की व्यवस्था करें, इनके खाने की व्यवस्था करें, कि जिससे एक उत्सव के रूप में लोगों ने मनाया, और आगे बढ़ करके जो भी प्रदेश के या प्रदेश के बाहर के जो बच्चे आए उनको खाना रहने की सुविधाएं दी, और बेटियां ये कहते हुए हरियाणा मध्य प्रदेश और बिहार में गई कि हमने आज तक जीवन में ऐसा हमारे स्टेट्स में कहीं व्यवस्थाएं नहीं देखी जितनी अच्छी। ये तो इनके पेट में मरोड़े इसलिए चल रहे हैं भैया, 30,000 बेटे बेटियों की नौकरियां लगेंगी, और इन्होंने 2.5 साल में कुछ किया धरा तो है नहीं, आपस में लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने मुंगेरी लाल के देख रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं इन्होंने। जांच के लिए आप तैयार? अगर जांच के लिए क्यों नहीं तैयार, सब तैयार हैं। CBI से जांच की मांग कर रहे हैं। क्या है उनके पास, BJP वाले है क्या उनके पास? आप हमारे सरकार की पुलिस या एजेंसियों के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करना चाहते? ये तो मुद्दे को टालना चाह रहे हैं भैया, ऐसा होता है क्या? तो फिर जितने IAS पकड़े, IPS पकड़े, बड़े बड़े पकड़े, क्या हमारी SEBI ने नहीं पकड़े, हमारी SOG ने नहीं पकड़े क्या? और इनके 2017 के अंदर इन्होंने रीट कराई थी तो तब तो इनकी सरकार थी, ये अगर उसी टाइम ये CBI की जो राग अलपा रहे हैं, ये अगर ऐसी CBI कर देती तो ये करवा करके और हमेशा हमेशा के लिए पेपर आउट का और नकल करने का झंझट ही क्यों नहीं समाप्त कर देते? ये तो पॉलिटिकल भाषा है इनकी, CBI से जांच कराओ। CBI का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं देखा आपने? कहाँ वो एक विश्नोई CI मर गया था, कहाँ कहाँ तक ले गए, कभी कृष्णा पूनिया को पूछा, कभी कई अधिकारियों को पूछा, ये किया वो किया, क्या हुआ? धाके 3-5 CBI आनंद पाल वाले प्रकरण में कराई थी, क्या हुआ? अब कह रहे हैं हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है जो जांच कराने वाला।